पे मुझे लगता है आखिरी टीम क्वालिफाई हो सकती है अगर सीएसके अगला मुकाबला नहीं जीता, और ये भी हो सकता है कि सीएसके ही क्वालिफाई कर जाए 14 पे, बशर्ते उनका रन रेट उस लिहाज से रहे। इंटेंस प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में जाने की रेस अब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है, जहां पर दो प्लेस बाकी है और दोनों ही प्लेस पर सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में काफी तगड़ी फाइट होने वाली है। हालांकि एलएसजी की टीम के पास आखिरी मुकाबला बचा है, लेकिन उनके खराब नेट रन रेट के चलते एलएसजी की टीम प्लेऑफ से ऑफिशियली बाहर हो चुकी है, जिसका मतलब है कि बचे हुए दो स्पॉट्स के लिए एसआरएच, आरसीबी और सीएसके में फाइट होगी। एसआरएच की टीम को दो मुकाबले में से एक जीतना है, जो कि उनके मुकाबले जिस तरीके से रहने वाले हैं उसको देखकर क्लियर है कि वो भी एक मुकाबला जीतकर प्लेऑफ में जाएंगे, जिसका मतलब है आरसीबी सीएसके के बीच में 18 तारीख को एक वर्चुअल नॉकआउट मुकाबला होगा। अगर आरसीबी को क्वालिफाई करना है तो उन्हें सीएसके को या तो 18 रन से हराना पड़ेगा या फिर 18 ओवर एक गेंद से पहले इस मुकाबले को जीतना पड़ेगा। अगर इस मुकाबले में बारिश होती है, जिसकी काफी ज्यादा उम्मीद है, तो सीएसके की टीम एक पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर जाएगी और आरसीबी की टीम बाहर हो जाएगी। अगर सीएसके की टीम आरसीबी को किसी भी मार्जिन से हराती है तो उस केस में भी सीएसके क्वालिफाई कर जाएगी। कमेंट करके आप लोग बताना आपके हिसाब से आरसीबी या फिर सीएसके कौन सी टीम क्वालिफाई करने वाली है।